हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम वैल्यूज़ मूल्य के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैल्यूज़ बेसिकली डिस्कस करना आजकल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो 21st सेंचुरी है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे पीछे भागते भागते कहीं अपने मूल्यों को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को विस्मृत करती जा रही है। तो ऐसे में वैल्यू एजुकेशन जो है वो बहुत मैंडेटरी हो जाती है। बट उसको डिस्कस करने से पहले हम वैल्यूज़ होती क्या हैं बेसिकली ये जान लेते हैं। तो वैल्यू जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जो वैलर शब्द से ओरिजिनेटेड है, जिसका अर्थ है महत्व या उपयोगिता। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य जो है वो एक ऐसी आचरण संहिता है या सद्गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और मूल्य आचरण जो है, मूल्य जो है वो आचरण को निर्देशित करते हैं। मतलब अगर हम किसी मूल्य को वैल्यू देते हैं या हमारे लिए कोई मूल्य जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो वो हमारे आचरण को निर्देशित करेगा। जैसे अगर मुझे ये अच्छा लगता है कि जो सच बोलते हैं वो लोग मुझे पसंद है या सच्चाई मुझे पसंद है तो मेरा आचरण जो है वो उसी तरफ निर्देशित होगा। मतलब जो मूल्य हैं वो हमें उस तरफ अग्रसित करेंगे। नेक्स्ट, मूल्य जो है वो समाज के व्यवहार के मानक होते हैं। जो भी मूल्य हैं वो समाज के व्यवहार के लिए एक स्टैंडर्ड होते हैं। उसी स्टैंडर्ड के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व को मापा जाता है। एंड लास्ट जो है हमारा वो है मूल्यों का विकास जो है वो अनुकरण एवं आत्मसात करने से होता है। यदि हम किसी मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी वृद्धि करना चाहते हैं तो हम उसका अनुकरण करें और उसे आत्मसात करें, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो जो मूल्य होगा वो विलीन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब मूल्यों की कुछ विशेषताएँ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ है अमूर्त संप्रत्यय। मूल्य जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये सिर्फ अनुभव जन्य है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, दीर्घ अनुभवों का परिणाम है। मूल्य जो है वो अचानक से नहीं बन जाते, उनको बहुत समय तक देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद उन्हें मानक के रूप में समाज में एक स्थान मिलता है। नेक्स्ट, सामाजिक स्वीकृति, क्योंकि उसको बहुत लंबे समय तक एक समाज में कंटिन्यूसली देखते हुए बनाया जाता है तो वो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिक निर्धारण। व्यवहारिक निर्धारण की जब हम बात करते हैं तो ये व्यवहार रूप में होते हैं और उनका व्यवहारिक ही निर्धारण होता है। मतलब सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करते रहे तो वो मूल्य कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। नेक्स्ट, मूल्यों का चयन। मूल्यों का जो चयन होता है वो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार करता है या अपनी संस्कृति में लोगों को देखकर उसके अनुसार करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर मूल्य को मानते हों, हम हर मूल्य के लिए आत्मसात करते हों। जो मूल्य हमारी रुचि के अनुसार होगा, हमें अच्छा लगता होगा, उसी को हम आत्मसात करते हैं। नेक्स्ट, उचित कार्य प्रेरक। हमेशा उचित कार्य को करने के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं मूल्य। परिवर्तनशीलता, मूल्यों में परिवर्तनशीलता बनी रहती है। आज जो चीज़ मूल्य में हमारे लिए मूल्यवान है, मूल्य है उस चीज़ का, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसके मूल्य परिवर्तित हो जाएं, क्योंकि परिस्थिति के साथ साथ मूल्यों के स्तर में भी परिवर्तन आता है। देन समाज की पहचान, जैसे हम ये कहें कि जो भारतीय समाज है उसकी पहचान है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, तो ये जो है वो समाज की एक पहचान बन जाती है। अब हम बात करते हैं भारतीय मूल्यों की। जो भारतीय मूल्य हैं उनको हम लोग ब्रॉडली 6 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा सच्चित आनंद का महत्वपूर्ण स्थान। ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है उसमें आध्यात्मिकता को बहुत एम्फसाइज किया जाता है, महत्व दिया जाता है, तो इसी कारण सच्चिदानंद जो कंसेप्ट है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हमारी संस्कृति में। नेक्स्ट, ईश्वर का अनुभव ही जीवन का परम लक्ष्य। ये माना गया, हमने जितना भी हम एंशंट अपना लिटरेचर पढ़ते हैं, जो वैदिक काल है, ब्राह्मणिक
वो जो पीरियड आया उसके बाद हमारा बौद्धिक काल आया, इन सभी चीज़ों में एक जो कॉमन कंसेप्ट था वो ये था कि जो ईश्वर हैं उनकी प्राप्ति, उनका अनुभव ही जीवन का परम लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक मूल्यों की तुलना में भौतिक वस्तुओं का निम्न स्थान। यदि हम कंपेयर करें तो जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका स्थान हमेशा भौतिक वस्तुओं के कंपैरिजन में ऊपर रहेगा, ऊंचा रहेगा। नेक्स्ट, सत्य एवं अहिंसा का महत्व, ये हमेशा हमारी संस्कृति की पहचान रही, सत्य और अहिंसा। देन मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यदि हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वही ईश्वर की सेवा है। देन वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और यही जो हमारा रिलेशन है वही हम आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाना चाहते हैं। ये जो हमारे भारतीय मूल्य हैं उनको जब बाद में दोबारा से उनमें चीज़ों को देखा गया और उन्हें थोड़ा संक्षेप में कहा गया, तो सन 1999 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें सत्य, सदाचरण, प्रेम, शांति एवं अहिंसा को सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में रखा गया। यद्यपि उसके पहले और उसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, NCERT ने भी बहुत एफर्ट्स किए, उसमें 83 उन्होंने मूल्य निकाले, उसके बाद वो बहुत लंबी लिस्ट हो गई इसलिए दोबारा से उसको किया गया रिवाइज, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कम करे उनको तो कुछ कम मूल्य वहाँ पर निर्धारित किए गए, लेकिन मोर और लेस ये सब कुछ चलता रहा। बट स्टिल हम लोगों के यहाँ सत्य, सदाचरण, प्रेम, शांति और अहिंसा को सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं मूल्य संकट की। मूल्य संकट जो हमारा वैल्यू क्राइसिस है आजकल के टाइम में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो है मूल्य संकट। अब इसके लिए जो है सबसे पहली बात कि मूल्य संकट बना क्यों है, तो वो बना इसलिए क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही, मतलब भौतिक भी और मूल्य शिक्षा दोनों आवश्यक हैं, लेकिन आजकल भौतिकवादी चकाचौंध में बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी युग में जाते जा रहे हैं, भौतिकवादिता के पीछे भागते जा रहे हैं और मूल्य शिक्षा जो है वो उन्होंने कहीं पर विस्मृत कर दी है, उसको पीछे छोड़ दिया है। उसी कारण मूल्यों का संकट जो है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में है। लोगों में मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है और उसकी वजह से जो है करप्शन या हिंसा हम कह सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वर्तमान परिस्थिति हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल होती जा रही है और इन्हीं सब से जो हमारा मूल्य संकट है उसका जन्म होता है। अब हम बात करते हैं उन कारकों की जिनके कारण मूल्य संकटों को बढ़ावा मिलता है। तो पहला है नैतिकता का ह्रास। नैतिकता जो है या नैतिक शिक्षा की हम बात करें तो वो सही अर्थों में मनुष्य को मानव बनाती है, लेकिन आजकल क्या है कि ना तो ऐसी शिक्षा हमें टीचर्स के द्वारा मिल रही है, ना ही पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ मिल रहा है और साथ ही माता पिता भी ऐसी शिक्षा बच्चों को देने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, क्योंकि सच बोलना, चोरी ना करना, अहिंसा, विनम्रता, शिष्टता ये आजकल बड़े लोगों के ही आचरण में नहीं दिखती, टीचर्स के आचरण में नहीं दिखती, माता पिता के आचरण में नहीं दिखती, तो बच्चे उसको कैसे फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट है हमारी आध्यात्मिकता का ह्रास। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की कि भौतिकतावादी चकाचौंध में व्यक्ति भागता जा रहा है तो उसमें वो कहीं ना कहीं असंतोष का पात्र बनता है। बलिदान, त्याग, संतोष, लोकातीत अनुभूति, मोक्ष, मुक्ति, इस तरह के आध्यात्मिक तत्व जो हैं वो भूलता जा रहा है और उसके हिसाब से इन सब की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी और लालची होता जा रहा है। नेक्स्ट है संस्कृति का ह्रास। जो हमारी संस्कृति है, हमने अभी भी कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो दान की है, त्याग की है, सहयोग की है, लेकिन वो सब चीज़ें निरंतरता से लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि जो युवा वर्ग है वो उन्मुक्त भोग विलासिता की ओर आकर्षित हो रहा है और उसी की वजह से सामाजिक अशांति, पारिवारिक उलझनें, असाध्य रोग, सांस्कृतिक मूल्यों का पतन आदि सब कुछ बहुत तीव्र गति से होता जा रहा है। एंड जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका वो है धन लोलुपता।
धन की जो इच्छाएं हैं, मतलब व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए भोग विलासिता की जीवन यापन करने के लिए, जितना पैसा उसको चाहिए वो नॉर्मल जो अर्निंग्स हैं उसके थ्रू नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो नैतिकता से गिरता है। जो हम लोग कह सकते हैं कि ब्राइबिंग करना, मतलब किसी से रिश्वत लेना, या धन धनोपार्जन के लिए किसी की हिंसा, मतलब मर्डर टाइप कर देना, किलिंग फैक्टर्स जो आजकल चल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का इसमें क्या रोल है, या हम ऐसा क्या करें जिससे कि वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चों के अंदर बढ़ें और जो हमारा मूल्य संकट है वो कम हो जाए। तो सबसे पहली बात हम कहेंगे कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं उनमें नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियों को स्थान मिलना चाहिए। जैसे पहले मॉरल एजुकेशन का एक पेपर हुआ करता था, या तो वो पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, या जो हमारी और स्टोरीज हैं, जो स्टोरी बुक्स बच्चों की होती हैं या लिटरेचर बुक्स हैं, उनके अंदर नैतिक शिक्षा से संबंधित तत्वों को डाला जाए। नेक्स्ट है योग्य व्यक्ति, या जो मूल्यवान व्यक्ति होते हैं समाज में, उनकी ईमानदारी, सच्चाई और साहस इत्यादि के लिए उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और जो सभाएं आयोजित हों उसकी वो छात्रों के समक्ष ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, जीवन मूल्य जो हैं उनसे संबंधित विषयों पर भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया जाना चाहिए, और विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करके नैतिकता या मूल्य शिक्षा आदि पर भाषण की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूलों में मूल्य आधारित शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। उसके अलावा संस्थान द्वारा नाटक, एकांकी, सामूहिक प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाना चाहिए जो विभिन्न मूल्यों के संदर्भ में हों। प्रातःकालीन सभा, मतलब मॉर्निंग असेंबली जो है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए, जहाँ पर मूल्य शिक्षा का संदेश जो है वो छात्रों तक पहुँचाया जा सके। एंड लास्ट, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएँ आदि जो हैं उनके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराया जाना चाहिए। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।